नमस्कार, म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल। म्यूचुअल फंड में निवेश से पहले इसकी बारीकियां समझना बेहद जरूरी है। म्यूचुअल फंड में निवेश की बारीकी का एक हिस्सा है एनएवी। एनएवी यानी कि नेट असेट वैल्यू। किसी म्यूचुअल फंड का नेट असेट वैल्यू क्या है, एनएवी के बढ़ने और घटने से आपके मुनाफे पर कैसे असर पड़ता है और म्यूचुअल फंड में एनएवी की कितनी अहमियत होती है। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में आज एनएवी पर ही हम बात करेंगे और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ एटिका वेल्थ एडवाइजर्स के सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर निखिल कोठारी जुड़े हैं। निखिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो शो में चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता देते हैं कि अगर आप भी हमारा शो का हिस्सा बनना चाहते हैं और निखिल कोठारी जी से अपने कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो तरीका बेहद आसान है। ट्विटर और फेसबुक के जरिए आप हमसे लाइव जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको जाना है हमारे पेज पर और इस वक्त हमारा शो लाइव है। वहां पर कमेंट सेक्शन में जाकर आपको अपने सवाल टाइप करने हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके ज्यादा से ज्यादा सवालों को अपने शो में शामिल करें और अगले आधे घंटे के निखिल हुए हैं। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो निखिल जी, जैसे कि कहा जाता है कि एनएवी जानना बेहद जरूरी है, म्यूचुअल फंड्स की तमाम बारीकियां जानने, लेकिन अगर एनएवी नहीं जाना तो शायद कुछ नहीं पता लगता है। तो सबसे पहले जरा यही समझाइए कि एनएवी क्या होता है, क्योंकि ये इतना पॉपुलर टर्म है कि हर व्यक्ति की जुबान पे तो होता है लेकिन इसकी बारीकियों से वो वाकिफ नहीं होता है। तो जैसे हम शेयर मार्केट की बात करते हैं और हम कहते हैं कि शेयर के प्राइस होते हैं, वैसे ही अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड में जो यूनिट्स होते हैं उसकी जो प्राइस होती है, मार्केट वैल्यू होती है, उसको एनएवी कहते हैं। तो अगर हम सिंपल तरीके से कहें कि शेयर प्राइस जो शेयर्स का होता है, वैसे म्यूचुअल फंड में एनएवी कहते हैं। तो वो दोनों प्राइस बताता है उस म्यूचुअल फंड के एक यूनिट का प्राइस क्या होता है। जब हम खरीदते हैं या हम जब बेचते हैं, जो बाय एंड सेल करते हैं, तो वो जिस प्राइस पे होता है वो एनएवी पे होता है। तो अगर आपकी जो आज की आप आज परचेज कर रहे हो तो आज के एंड पे जो एनएवी होती है उसके दौरान आपको नंबर ऑफ़ यूनिट्स मिलते हैं। जैसे आपको शेयर्स में नंबर ऑफ स्टॉक्स मिलते हैं, वैसे म्यूचुअल फंड नंबर ऑफ़ यूनिट्स मिलते हैं। तो आपको कितने यूनिट्स मिलेंगे वो एनएवी पे डिपेंड करता है। तो अगर आप आज परचेज कर रहे हो तो आप जितने अमाउंट डाले हो उसको आप डिवाइड करते हो एनएवी से, तो उतने आपको यूनिट्स मिलते हैं। अगर आप सेल करते हो तो आपको कितना पैसा वापस मिलेगा वो आपके यूनिट्स को एनएवी से मल्टीप्लाई करके निकलता है। तो एनएवी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें। वो आपको बताता है कि आपकी जो फंड की जो आज प्राइस होती है, एक यूनिट की जो प्राइस है, वो एनएवी बताती है आपको। बिल्कुल। तो एनएवी जो है वो होती है नेट असेट वैल्यू। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं निखिल जी, जो अक्सर एनएवी में और एयूएम में कंफ्यूज हो जाते हैं, इन दोनों का अंतर नहीं समझ पाते हैं। तो जरा दर्शकों को ये भी समझाइए कि इन दोनों में आखिरकार अंतर क्या होता है। जैसे हमने कहा कि एनएवी होता है शेयर प्राइस, और एयूएम क्या होता है कि वो फंड कितना पैसा मैनेज कर रहा है। तो अगर मानिए उस फंड हाउस फंड मैनेजर उस फंड में 10,000 करोड़ रुपए हैं, तो इसका मतलब वो फंड हाउस 10,000 करोड़ रुपए मैनेज कर रहे हैं। और एनएवी कैसे निकलती है, अगर वो 10,000 करोड़ को अगर हम डिवाइड करते हैं कितने यूनिट्स आउटस्टैंडिंग है, तो उसको जो एयूएम को डिवाइड करते हैं यूनिट्स पे, तो जो वैल्यू निकलता है वो एनएवी होता है। तो और आप उसको रिवर्स देखना चाहें तो यूनिट्स इंटू एनएवी आपको एयूएम बताता है। तो इफेक्टिवली आपको ये देखना है कि एयूएम होता है कि उस फंड में कितना पैसा मैनेज हो रहा है, एनएवी होती है कि उस यूनिट की पर प्राइस क्या है, उस किस पे आप बाय और सेल करोगे वो प्राइस आपको एनएवी बताती है। बिल्कुल। तो एनएवी और एयूएम में क्या अंतर होता है ये तो आपने अच्छे से समझ लिया, लेकिन बाजार का एनएवी पर कैसे असर पड़ता है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि बाजार की उठा पटक के साथ जो एनएवी बदलती रहती है, तो ये कैसे होता है। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एनएवी कैलकुलेट कैसी होती है। तो एनएवी कैसे कैलकुलेट होती है, एक फंड में बहुत सारे सिक्योरिटीज होते हैं, जैसे बहुत सारे शेयर्स खरीदे हुए होंगे, कुछ डेट पेपर्स खरीदे हुए होंगे, कुछ कैश होगा। तो एनएवी कैसे कैलकुलेट होती है, हर दिन जो स्टॉक मार्केट की जो अगर आपके शेयर्स की अगर हम इक्विटी फंड की बात करें तो उस पोर्टफोलियो में बहुत सारे शेयर्स होंगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज होगा, ITC होगा, HUL होगा, जो वगैरह वगैरह। तो जो जितने भी स्टॉक्स होते हैं उनकी आज की जो मार्केट क्लोजिंग प्राइस होती है
उसको नंबर ऑफ शेयर्स जिस उस फंड में कितने शेयर्स है उसको मल्टीप्लाई करके उस उसका वैल्यू कितना है, और वो वैल्यू को जो पूरा पोर्टफोलियो का जो वैल्यू होता है उसको अगर आप यूनिट से डिवाइड करते हो एनएवी निकलती है। तो अगर आपके जो पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स है अगर वो ऊपर जाते हैं, जैसे आज के बाजार की बात करें तो आज जैसे मार्केट में अधिकतम स्टॉक्स ऊपर थे, तो अगर आपके पोर्टफोलियो में वो सब स्टॉक्स हैं और आज अगर बाजार ऊपर गया है तो आपकी जो डी एंड की एनएवी होगी वो ऊपर आएगी। अगर हम कल की बात करें, जैसे कल मार्केट थोड़े से डाउन थे तो आप अगर और कुछ काफ़ी स्टॉक्स में काफ़ी स्टॉक नीचे थे तो उसकी जो अगर आपके पोर्टफोलियो में वो स्टॉक्स है और कल के अगर हम मार्केट की बात करें जब मार्केट डाउन है तो आपका एनएवी भी डाउन होगा, क्योंकि शेयर प्राइस जब ऊपर जाते हैं, अगर इक्विटी फंड की बात करें जब शेयर प्राइस ऊपर जाते हैं तो आपकी एनएवी ऊपर जाती है, अगर शेयर प्राइस नीचे जाते हैं तो आपकी एनएवी नीचे जाती है। तो इसलिए आपको ये समझना पड़ा है कि बाजार में क्या हुआ। अगर बाजार आज ऊपर गया है तो आपको पता चलेगा कि आपके जो म्यूचुअल फंड की जो पोर्टफोलियो वैल्यू है वो भी ऊपर गई होगी, और अगर बाजार नीचे गया है तो आप उस वैसे ही रिलेट कर सकते हो कि आज आपकी पोर्टफोलियो वैल्यू नीचे होगी। तो बाजार के उतार चढ़ाव से आपकी एनएवी पे इंपैक्ट होती है। अगर हम ये डेट फंड की बात करें तो डेट फंड में इक्विटी मार्केट के उतार चढ़ाव से फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसमें सारी डेट सिक्योरिटीज होती है। तो अगर डेट मार्केट का भी एक सेकेंडरी मार्केट होता है जहां पे हर डेट सिक्योरिटी एक प्राइस होती है, जहां पे जो उतार चढ़ाव होते हैं बहुत कम होते हैं और नॉर्मली ये थोड़े से ऊपर जाते रहते हैं क्योंकि हर दिन आपको ब्याज मिलते रहता है। तो डेट फंड की एनएवी में जो उतार चढ़ाव होते हैं वो बहुत कम होते हैं, पर उसमें भी जो हर डेट सिक्योरिटीज होती है लिस्टेड होती है तो उनके अगर प्राइस ऊपर गए हैं तो आपकी एनएवी ऊपर जाती है, अगर वो डेट सिक्योरिटीज नीचे गए हैं तो आपकी एनएवी नीचे जाती है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट बाजार में क्या हुआ, उसके हिसाब से आपके आज फंड वैल्यू में उतार चढ़ाव हो सकते हैं। तो बाजार का एनएवी पर असर किसे पड़ता है ये तो आपने अच्छे से समझ लिया। यही सवाल हमसे विवेक मेहता ने भी पूछा था कि आखिरकार बाजार का असर क्या पड़ता है, लेकिन एक सवाल उन्होंने इसके साथ और पूछा हुआ है, वो ये जानना चाहते हैं कि मार्केट तो कई बार उन्होंने देखा है कि ऊपर जा रही होती है लेकिन एनएवी जो होती है वो नीचे गिरती जाती है, तो ऐसा क्यों होता है? इसमें भी आपको समझना पड़ेगा कि आपके किस तरह के फंड है और वो फंड कैसे कौन से शेयर्स में डाले हुए हैं। अगर बहुत बार ऐसा होता है कि बाजार ऊपर गया है बट ऐसे हो सकते हैं कि 5 स्टॉक ऊपर गए हैं और जो बाकी अधिकतम स्टॉक नीचे गए हैं, तो उसमें ये हो सकता है अगर आपके पोर्टफोलियो में वो 5 स्टॉक नहीं हैं और तो आपका बाजार ऊपर भी जाने के बाद आपका पोर्टफोलियो नीचे जा सकता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो फंड है वो कौन सी कैटेगरी में आता है, लार्ज कैप में है, मिड कैप में है, स्मॉल कैप में है। अगर आपका फंड लार्ज कैप है तो आप निफ्टी या सेंसेक्स से कंपेयर कर सकते हो, अगर आपका फंड मिड कैप या स्मॉल कैप है तो आप सेंसेक्स से कंपेयर नहीं कर सकते हो, तो आपको मिड कैप इंडेक्सेस या स्मॉल कैप इंडेक्स पर कंपेयर करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लार्ज कैप ऊपर जाते हैं, हो सकता है मिड कैप स्मॉल कैप नीचे गए होंगे, या बहुत बार ऐसा भी होता है कि लार्ज कैप फ्लैट है ये नीचे गए हुए हैं और मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स ऊपर गए हुए हैं। तो आपका जो फंड में जो स्टॉक्स होते हैं वो स्टॉक्स में क्या मूवमेंट हुआ है उसके हिसाब से एनएवी डिपेंड करती है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई स्टॉक है, समझ लीजिए एक स्टॉक है जो 20% डाउन चला गया है, तो हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाने के बाद भी आपके फंड वैल्यू नीचे जा सकती है। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं विवेक जी कि आपको आपके सवाल का जवाब जो है मिल गया होगा। आपके पास आपके फंड में जो जो भी स्टॉक्स हैं अगर उसमें उठापटक हुई है तो उसका असर जो है वो एनएवी पर ज़रूर पड़ता है, लेकिन पूरे ओवरऑल मार्केट से आप ये अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि आखिरकार एनएवी में उतार चढ़ाव कैसे हो रहा है। खैर, इस बीच में हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं, विकास शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है विकास जी आपका, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैम गुड इवनिंग, मैं गुलाईबाग से बोल रहा हूँ मैम, दिल्ली से। जी अपना सवाल पूछिए। मैम ये जानना चाह रहा था कि अभी मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ और अराउंड 15K मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ पर मंथ, तो मुझे लॉन्ग टर्म के जी ऑलरेडी मैं ईमेल से आपको क्वेश्चंस पुट कर दिए थे मेरी जो क्वेरीज थी, तो मुझे बता दीजिए कि लॉन्ग टर्म के लिए अराउंड मेरा जो गोल है वो 1.5 CR है और अराउंड 20 इयर्स तक का। जी, तो निखिल जी हमारे पास विकास शर्मा का सवाल जो है वो मेल से भी आ चुका है, जिसमें इन्होंने बताया कि करीब 15,000 रुपए का मासिक निवेश कर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए इन्हें 17 साल में 30 लाख चाहिए, 22 साल में 40 लाख रुपए का भी इनका लक्ष्य, और रिटायरमेंट के लिए इन्हें करीब 25-26 साल में 2-3 करोड़ रुपए चाहिए। तो जानना चाहते हैं कि एक तो इनको मासिक निवेश कितना बढ़ाना होगा या इसी निवेश में ये अपने लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, और इनके पोर्टफोलियो में कौन से फंड सूटेबल रहेंगे।
सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपकी जो बच्चे की पढ़ाई है जो आपको 17 साल बाद चाहिए 30 लाख रुपए, तो उसके लिए आपको लगभग 4,500 रुपये महीने का निवेश करना पड़ेगा। हर महीने आप इसको निवेश करते रहिए अगले 17 साल तक। इस कैटेगरी के लिए आप एक मल्टी कैप फंड को अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं, जैसे इन्वेस्टको इंडिया मल्टी कैप फंड हो गया या पराग पारिक मल्टी कैप फंड है, उसको आप अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं। फिर आपने जो बच्चे की शादी के लिए कहा, क्योंकि इसका टाइम फ्रेम लंबा है, आपके 20 साल का टाइम फ्रेम है, तो मैं 20 से 22 साल का टाइम फ्रेम है, तो उसके लिए आपको जो मंथली निवेश करना पड़ेगा वो 3,000 रुपए है। तो जैसे हम कहते हैं अगर आपके पास मोर टाइम है तो आपको निवेश की अमाउंट आपकी कम हो जाती है, तो आप 3,000 रुपए अगर इसके लिए निवेश करें तो आपका एक गोल भी अचीव हो सकता है। आप उसके लिए एक मिड कैप फंड को देख सकते हैं, क्योंकि आपका टाइम फ्रेम ज्यादा है तो अगर मार्केट के हिसाब से आप मिड कैप फंड में निवेश कर सकते हैं। उसके लिए आप कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड या एडलवाइज का मिड कैप फंड देख सकते हैं। तो अगर बच्चों की बात करें तो अगर आप 7,500 रुपए महीने का निवेश करें तो बच्चों की पढ़ाई और शादी का गोल अचीव हो सकता है। पर सबसे मैं कहूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा लक्ष्य होना चाहिए हमारा रिटायरमेंट होना चाहिए, क्योंकि जब हम एक एज के बाद हम अपना काम नहीं कर सकेंगे तो पर हम किसी पर निर्भर नहीं होना चाहते। तो रिटायरमेंट के जो आपने कहा कि अगर आपको 3 करोड़ का कॉर्पस इकट्ठा करना है तो आपको मानसिक जो महीने की निवेश करना पड़ेगा वो 16,000 रुपये हर महीने निवेश करना पड़ेगा। उसके लिए आप मिक्स ऑफ मल्टी कैप और एक स्मॉल कैप पोर्टफोलियो का एक पोर्टफोलियो बना के निवेश कर सकते हैं। तो जैसे आपने यूटीआई इक्विटी फंड ले सकते हैं मल्टी कैप में जो लार्ज कैप बायस होगा, और स्मॉल कैप में आप एचडीएफसी स्मॉल कैप या SBI स्मॉल कैप फंड को ले सकते हैं। तो अगर आप ओवरऑल पोर्टफोलियो को देखोगे तो आपके पास एक लार्ज कैप फंड होगा, एक लार्ज इन मिड कैप फंड होगा, एक मल्टी कैप फंड होगा, एक स्मॉल कैप होगा, एक मिड कैप होगा, तो आपका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है। तो अगर मैं सब गोल को मिला के बोलूँ तो आप 23,000 रुपये आपको महीने का निवेश करना पड़ेगा। अभी आप 15,000 से स्टार्ट कर सकते हैं, तो अभी आप ऐसा डिवाइड कर सकते हैं कि बच्चे की पढ़ाई और रिटायरमेंट पे मैं फोकस करूंगा। जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, जैसे आपकी आय बढ़ती है, आपको हर साल अपना निवेश भी बढ़ाना चाहिए। तो आप धीरे धीरे अपना निवेश को बढ़ाते रहिए, फिर आप दूसरे गोल्स के लिए भी अचीव कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपको 23,000 रुपये 23,500 रुपये निवेश करना पड़ेगा, अभी आप 15,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो निखिल कोठारी जी, क्या NAV जो होती है वो दिन में एक बार ही तय होती है, या जिस तरह से स्टॉक प्राइसेस बदलते रहते हैं तो पूरे दिन में इसमें भी उतार चढ़ाव आता रहता है? NAV दिन में एक ही बार बढ़ती है या घटती है, डिपेंड करता है वो मार्केट का उस दिन का क्लोजिंग क्या हुआ है। तो जैसे आज मार्केट ऊपर है तो उसकी जो डे एंड की जो प्राइसिंग होती है, स्टॉक मार्केट की जो स्टॉक्स के डे एंड की प्राइस होती है, उससे वो अपने नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई करके पोर्टफोलियो वैल्यू निकालते हैं और उसके उस पर NAV निकलती है। तो NAV एक आपको जब डे एंड होता है शाम को 8 बजे के बाद आपको आपके फंड की NAV पता चलती है। तो अगर आप जब ट्रांजेक्शन करते हैं, अगर आपने आज परचेज किया होगा तो अगर आपके जो आपको जो परचेज वैल्यू आपकी जो NAV मिलेगी वो आपको डे एंड की मिलेगी जो 8 बजे आज डिक्लेयर होगी, जो आज के क्लोजिंग प्राइस पे डिपेंड करता है। और वही आप रिडेम्पशन करते हो तो सेम चीज़ आप चाहिए उस दिन की जो क्लोजिंग प्राइस होगी उस पे मिलता है। तो आपको एक दिन पहले की नहीं मिलती, आपको जिस दिन की आपने इन्वेस्टमेंट किया है, रिडेम्पशन किया है, उस दिन के डे एंड की मिलती है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ड्यूरिंग द डे अगर मार्केट कोई रिडेम्पशन जो है मान लीजिए शाम में करता है तो उसके बाद कैसे NAV जो है डिसाइड की जाती है, अगर कोई शाम में रिडेम्पशन कर रहा है? तो म्यूचुअल फंड में जो कट ऑफ टाइम होती है वो 2 बजे और 3 बजे होती है। अगर हम लिक्विड फंड की बात करें तो कट ऑफ टाइम 2 बजे होती है, अगर हम बाकी सब फंड्स की बात करें तो कट ऑफ टाइम 3 बजे है। तो अगर आपने 3 बजे से पहले रिडेम्पशन किया है तो आपको उस दिन की डे एंड की NAV मिलती है। 3 बजे के बाद आपने कोई भी परचेज रिडेम्पशन किया है तो वो अगले दिन की जो डे एंड की NAV होती है वो मिलती है आपको। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी कट ऑफ टाइम 3 बजे है अगर आपको सेम डे की NAV चाहिए, या आपको अगर या आपने 3 बजे की बात किया तो आपको नेक्स्ट डे की NAV मिलेगी। अच्छा, एक सवाल हमारे पास और आया है NAV से ही जुड़ा हुआ फेसबुक के जरिए यशपाल का। ये जानना चाहते हैं कि फंड की NAV गिरने पर भी एक्सपेंस चार्ज कटता है या केवल बढ़ने पर ही? नहीं, जो म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो पूरे AUM पे चार्ज होता है। अगर आपका AUM बड़ा है तो वो ऑब्वियसली बड़े जो बढ़ा हुआ अमाउंट है उस पर चार्ज करते हैं टोटल वैल्यू पे। अगर आपका फंड नीचे भी है तो भी आपका एक्सपेंस रेशियो चार्ज होता है। तो म्यूचुअल फंड इज़ नॉट परफॉर्मेंस लिंक नहीं होता है म्यूचुअल फंड, आपका फंड मैनेजमेंट चार्जेस होता है जो जितना भी पोर्टफोलियो में AUM है उस पर वो एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं। तो केवल आपका इनलाइन कैसे है कि अगर मार्केट गिरा है और आपका NAV गिरी है तो ऑब्वियसली फंड वैल्यू कम हो गया होगा, तो जो अमाउंट चार्ज होगा वो कम होगा। पर अमाउंट अगर बड़ा है, NAV बढ़ी है, तो ऑब्वियसली ज़्यादा उनको पैसे ज़्यादा मिलेंगे। बट इसका ये नहीं कि अगर मार्केट गिरा हुआ है तो वो फंड मैनेजमेंट एक्सपेंस रेशियो चार्ज नहीं करेंगे, वो उसी परसेंटेज पे सेम रेशियो चार्ज करेंगे।
बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं यशपाल जी आपको आपके सवाल का जवाब जो है वो मिल गया होगा। एक सवाल हमारे पास ईमेल के जरिए आया हुआ है पश्चिम बंगाल से विवेक घोषाल का। विवेक घोषाल बताते हैं कि वो सीआरपीएफ में जवान है और म्यूचुअल फंड्स में करीब 13,000 रुपए का मासिक निवेश कर रहे हैं। इसके साथ ही इन्होंने 2,00,000 रुपए का एकमुश्त निवेश भी किया हुआ है। अब इनके लक्ष्यों के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि इन्हें 15 साल के बाद 30,00,000 रुपए चाहिए, बेटी की शादी के लिए 20 साल के बाद 40,00,000 रुपए चाहिए, रिटायरमेंट के लिए उन्होंने 25 साल के बाद 80,00,000 रुपए का लक्ष्य तय किया हुआ और साथ ही घर खरीदने के लिए 10 साल के बाद इन्हें 50,00,000 रुपए चाहिए। तो अपने पोर्टफोलियो पर ये आपकी राय चाहते हैं। इनके पोर्टफोलियो में फिलहाल 6 फंड शामिल हैं, जिसमें मेरा एसेट इंडिया इक्विटी फंड है और साथ ही एलएनटी मिडकैप फंड है, सुकन्या समृद्धि योजना में भी ये निवेश कर रहे हैं, एसबीआई शॉर्ट टर्म डेट फंड भी है और साथ ही इन्होंने यही फंड्स का इन्हीं फंड्स का जिक्र किया हुआ है। तो क्या सलाह देंगे आप इन्हें? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि इनको एक सराहना करूँगा कि एक अच्छी चीज़ की है कि उन्होंने अपने सारे गोल्स को बहुत क्लियरली डिफाइंड किया है। तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे पहला स्टेप उन्होंने बहुत अच्छा किया है। अगर मैं इनके गोल्स की बात करूँ तो जो उन्होंने कहा कि बच्चे की पढ़ाई के लिए उनको 30,00,000 रुपये चाहिए 15 साल में, तो लगभग उनको 6,000 रुपये महीने के अलग करने पड़ेंगे इक्विटी फंड में। जो बेटी की शादी की उन्होंने बात की है कि जहाँ पर उनको एक लमसम अमाउंट चाहिएगा आज से लमसम अमाउंट चाहिएगा 20 साल बाद, उसके लिए उनको 4,000 रुपये महीने का निवेश करना पड़ेगा। तो मैं अगर बच्चे की बात करूं तो उनको 10,000 रुपये बच्चे के नाम पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, बच्चे के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जो दोनों गोल अचीव कर सकते हैं। अगर मैं रिटायरमेंट की बात करूं, जो उन्होंने कहा कि 80,00,000 का कॉर्पस चाहिए आज से 25 साल बाद, तो पहले मैं कहूँगा ये कॉर्पस काफ़ी नहीं होगा क्योंकि उस समय महंगाई भी हो जाएगी, तो आपको अपना पोर्टफोलियो को रिवैम्प करना पड़ेगा और आपको अमाउंट इसमें जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो आपको रिक्वायरमेंट होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी। पर अगर मैं 80,00,000 की बात करूँ तो आपको 4,000 रुपये महीने का निवेश करना पड़ेगा। तो जो आपके मैंडेटरी गोल्स हैं बच्चे की पढ़ाई और आपकी रिटायरमेंट, वो आप अगर सब देखिए तो आप 14,000 में आपका ये गोल हो सकता है। जो आपने घर की बात की कि आपको घर खरीदना है, तो अगर आपको 50,00,000 रुपये चाहिए 10 साल में, तो आपको 21,000 रुपये महीने का निवेश करना पड़ेगा। ये अमाउंट आपको बड़ा इसलिए लग रहा है क्योंकि आपका टाइम फ्रेम कम है। अगर ये टाइम फ्रेम को आप इंक्रीज़ करते हो तो आपका अमाउंट जो रिक्वायरमेंट होगा मंथली SIP का वो कम हो जाता है। जितना आपके ज़्यादा टाइम है उतना आपके लिए बेहतर है क्योंकि आपको कम निवेश करना पड़ता है। फिर उन्होंने जो फंड की बात की, मेरे एसेट इंडिया इक्विटी फंड, ये एक लार्ज कैप फंड है, जो पहले मल्टी कैप था वो अभी लार्ज कैप हो गया है। तो अगर मैं कहूँगा कि वो इसमें अगर उसको कम रिस्क चाहिए तो इस फंड में बने रह सकते हैं, पर अगर उनको थोड़ा सा एग्रेसिव चाहिए फंड चाहिए तो वो एक मल्टी कैप फंड में निवेश कर सकते हैं, जैसे UTI इक्विटी फंड हो गया या पराग पर एक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड हो गया। फिर उन्होंने जो मिड कैप फंड कहा, LNT मिड कैप फंड, वो अच्छा फंड है, उसमें वो बने रह सकते हैं। फिर उन्होंने जो SBI डेट फंड की बात की है, वो एक FMP है, फिक्स मेच्योरिटी प्लान, तो वो क्लोज एंडेड फंड है। तो मैं कहूँगा कि एज अ प्रिंसिपल आप क्लोज एंडेड फंड में निवेश मत कीजिए, आपको अगर डेट में भी निवेश करना है तो ओपन एंडेड डेट फंड में आप निवेश कर सकते हैं। तो जब ये मेच्योर हुआ था तो ये पैसे निकाल के आपको अगर लॉन्ग टर्म का गोल है तो आप इक्विटी फंड में निवेश कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि वो बने रह सकते हैं, वो अपने बच्चों की पढ़ाई और शादी के लिए गोल के लिए आप इसको लिंक कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपको अगर मैं सब गोल की बात करूँ तो 35,000 रुपये चाहिए, पर अगर मैं खाली पढ़ाई और शादी पढ़ाई और आपकी बच्ची की पढ़ाई शादी और रिटायरमेंट की बात करूँ तो आपको 14,000 रुपये चाहिए। तो आपको देखना पड़ेगा घर के लिए, आप जब भी आपके एडिशनल पैसा आए वो आप अलग करके घर के लिए निवेश कर सकते हैं। बिल्कुल, तो थोड़े से अपने निवेश को आपने बढ़ाना होगा, साल दर साल निवेश बढ़ाएंगे तो आपके लिए बेहतर भी साबित होगा। एक सवाल और शामिल कर लेते हैं जो हमारे पास ईमेल के जरिए आया है कुंदन कुमार का। ये बताते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में ये 15,000 रुपए का निवेश कर रहे हैं और इन्होंने अपने लक्ष्यों में शामिल किया हुआ बच्चे की पढ़ाई का लक्ष्य, जिसमें इन्हें 18 साल में 50,00,000 रुपए चाहिए, बच्चे की शादी के लिए 25 साल में 1,00,000 रुपए चाहिए और रिटायरमेंट के लिए भी इन्हें 25 साल में 1,00,000 रुपए ही चाहिए। और इन्होंने अपने फंड्स का भी जिक्र किया, जिसमें इनके पोर्टफोलियो में 5 फंड शामिल हैं, HDFC स्मॉल कैप फंड, रिलायंस लार्ज कैप फंड, इसके अलावा एक्सेस फोकस 25 फंड, ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड और साथ ही में कोटेक इमर्जिंग इक्विटी फंड भी है। तो ये जानना चाहते हैं कि इनके पोर्टफोलियो में किसी तरह के बदलाव की जरूरत है और क्या हालिया निवेश से ही अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाएंगे। जो इनका पोर्टफोलियो है वो काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, उसमें हर कैटेगरी के एक एक फंड है, तो वो मैं कहूँगा कि वो बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है। उसमें वो पोर्टफोलियो में उनको फंड बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो इसी फंड में निवेश कर सकते हैं। पर जो इन्होंने जो अमाउंट कहा है जो पोर्टफोलियो में निवेश कर रहे हैं, वो 15,000 रुपये अगर निवेश कर रहे हैं, और पर उनके जो गोल की जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर मैं बात करूँ कि बच्चे की पढ़ाई के लिए जो उन्होंने कहा है कि उनको एक लमसम कॉर्पस चाहिए, उसके लिए उसी गोल के लिए उनको 22,000 रुपये निवेश करने पड़ेंगे। अगर मैं रिटायरमेंट की बात करूँ तो उसके लिए 17,000 रुपये निवेश करने पड़ेंगे। तो गोल के हिसाब से अमाउंट कम है,
फंड्स अच्छे हैं तो अगर वो उनकी क्षमता है अपने SIP अमाउंट को बढ़ाने के लिए, तो मैं कहूँगा इसी फंड में वो ऐड करते रहिए इसी प्रपोर्शन से, तो वो अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। मैं ये कहूँगा कि आप अपने फंड्स में चेंज मत कीजिए, पर केवल SIP अमाउंट बढ़ाने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल, तो फंड्स में किसी तरह का कुंदन जी बदलाव मत कीजिएगा, लेकिन SIP जो है वो ज़रूर बढ़ाते रहिएगा जैसे जैसे भी आपको मुमकिन लगे। और आखिरी सवाल भी ले लेते हैं आपसे NAV के बारे में। दरअसल लोगों को ये लगता है कि जब NAV कम है तभी यूनिट्स खरीदना जो है फ़ायदेमंद साबित होगा, तो क्या इसमें सच्चाई है या फिर ऐसा नहीं करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि फंड्स का परफॉर्मेंस कैसा है आखिरकार? हाँ, ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि अगर दो फंड है, फंड ए और फंड बी, और फंड ए की NAV 200 रुपये हैं और फंड बी की NAV 20 रुपये हैं, तो मुझे फंड बी सेलेक्ट करना चाहिए। ये एक बहुत ही गलत मिथ है। आपको फंड की NAV से आपको फंड का चुनाव नहीं करना चाहिए, आपका फंड का चुनाव आपके उसके पास्ट रिटर्न को देख के करना चाहिए। जो अभी ये फंड की NAV 200 रुपये क्यों होगी, क्योंकि ये फंड पुराना होगा और वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बढ़ते बढ़ते वो 200 रुपये उसकी NAV हो गई है। पर अगर कोई नया फंड आया होगा तो उसकी NAV स्टार्टिंग 10 रुपये से होती है, तो उसको केवल कुछ साल ही होंगे इसके 10 से 20 रुपये की NAV हुई है। तो आपको ये देखना होता है कि अगर दोनों फंड को मैं रिटर्न से कंपेयर करूँ तो पिछले 1 साल में 2 साल में 3 साल में किस फंड ने कितना रिटर्न दिया है, और जिस फंड ने ज़्यादा रिटर्न दिया है अगर मैं रिटर्न के हिसाब से केवल एक पैरामीटर लूँ तो उस फंड को सेलेक्ट कर सकते हैं। और आप बहुत ज़्यादा बाकी पैरामीटर से आपको देखना चाहिए, फंड मैनेजर कैसे हैं, उसका रिस्क कैसा है, वो आपकी कैटेगरी, आप सेम कैटेगरी में कंपेयर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो आपको वो सब भी फैक्टर्स देखने चाहिए। बट मैं अगर प्योर NAV की रिटर्न की बात करूँ तो पहले आपको देखना चाहिए लास्ट 1 ईयर में इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ग्रोथ इसकी NAV कितने परसेंट से बढ़ी है और दूसरे की NAV कितने परसेंट से बढ़ी है। जिसकी ज़्यादा परसेंट से बढ़ी है वो फंड आपके लिए बेहतर है, ये ना कि कम NAV वाला फंड बेहतर है। तो मैं कहूँगा कि बहुत बड़ा मिथ है, कभी भी NAV को देखिए, यानी कि साफ है कि NAV वैल्यू पर फंड्स को चुनने का जो एक तरीका होता है वो सही नहीं होता है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया निखिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को NAV से जुड़ी ये तमाम बारीकियां बहुत अच्छे से समझाने के लिए। तो आज के लिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में इतना ही।